इनके बीच में ही आ जाओ ना दादाजी, बीच में आइए। अच्छा हां यहां पे, यहां पे देना पड़ेगा, यहां पे सारा इधर इधर इधर। सोन भाई, अरे बाप रे बाप, अरे क्या है किचन का। सारा यहां जी, यहां 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 राइट साइड, राइट साइड सारा जी, राइट साइड मैम रुकिए, बैठ गया आपके लिए दादाजी, आला दादाजी राइट साइड सारा सेंटर जो बीच में बोलना। मैम यहां पे आइए ना, मैडम मैम यहां पे आइए ना जी, आ गए हम सेंटर में। अरे तो चीज का बहुत बड़ा चीज है ये, यहां सारा जी सामने सेंटर, सारा जी सामने आपके लेफ्ट में, सारा जी सामने देखो, सारा जी आने देखिए आपने, सारा जी सामने एकदम। अच्छा वहां से हटिए सारा जी, सारा जी सारा जी यहां पे, सारा जी ये वहां तक प्रेम है। अरे हाथ मत, सारा ये यो दिस कैमरा, सारा जी सामने, सारे यहाँ पे, सारा जी यहाँ पे सामने सामने साइड, सारा जी सामने, राइट 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 राइट, सारा जी नहीं, सारा जी सारा जी रुको ना, सारा वन स्टेप प्लीज। सारा जी यहाँ पे, सारा जी यहाँ पे, ये कैमरा राइट कर, सारा जी यहाँ पे, सारा जी राइट कर, सारा जी राइट कर, सारा जी यहाँ पे, सारा जी भाई थोड़ा पीछे, भाई थोड़ा सा, बस बस थैंक यू। इधर फास्ट है यहाँ पे ये कैमरा सेंटर सेंटर आपके राइट में देखो, आपके राइट में यहाँ पे कैमरा जी, जी यहाँ पे सेंटर सेंटर सेंटर। अरे वरुण को एक साथ में कर दो, वरुण को बोलो ना साथ में, याद है ये भाई, सोलो यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ पे ये क्या, राइट साइड जी, राइट में, राइट में कृति जी, यहाँ पे ये कैमरा, थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है। द वे यू सॉ के एंटर करते ही एक एक अलग स्माइल आ जाती है, बच्चा बनने का मन करता है खुद ही। मैं कोई धमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं बस धमाल देखने वाली हूँ, मैं एंजॉय करने वाली हूँ बच्चों के साथ और प्रोग्राम को। एंड बहुत सारे थे, द मास्क
मुझे बहुत पसंद था, फ्लिंटस्टोन पसंद था, बहुत सारे थे ऐसे तो. अभी पॉपॉय जाना नहीं चाहिए. मेरी बहुत सारी हैं. मैं बचपन से, मुझे जब भी कहीं जाना होता था, चाहे मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो मैं कभी भी डिसाइड नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या पहनना है. और मेरी अलमारी हमेशा हमेशा भरी पड़ी होती थी कपड़ों से. आज भी वही होता है, मैं 10 कपड़े ट्राई करती हूँ, इधर उधर फेंकती हूँ और तब बैठ जाती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को. सो आई थिंक दैट स्टिल हैपन्स विद मी. और अभी मेरी मॉम ने इनफैक्ट ये बोला था कि तू पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है. सो आई थिंक वो कुछ आदतें होती हैं. आई एम ऑल्सो समटाइम्स अ स्लो ईटर. तो बचपन में इनफैक्ट मेरी मॉम जो है वो मुझे टीवी रूम से बाहर निकाल देती थी, बिकॉज आई वॉज ईटिंग सो स्लो कि मैं 2 घंटे लगाती थी खाने में. 2 घंटे तो नहीं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा स्लो खाती हूँ. I really don't know. I just go with the color I feel like, to be honest. And I love colors. And I love solid colors. So I have yellow, bhi, orange, bhi, pink. Bhi. I just feel like you should experiment with colors. Okay, so ma'am, agar aapka outfit ke baare mein bahut hi aap beautiful and hot lag rahi hain dress mein, to thoda sa kuch batayenge aap zara aapke dress ke baare mein, bahut hi beautiful aap lag rahi hain. Well, thank you. I think this outfit bahut hi beautiful lag rahi hai ma'am. I think this outfit for me, the moment I saw it, mujhe Kids Choice Award ke liye ekdam apt laga, kyunki it's got this fun element to it. It's got a little feather happening, it's got a little puffiness happening in the dress. It's by Dolly J and it's something that I just wore it and I felt ki Kids Choice ke liye best hai. Kriti, agar baat ki jab Panipat ki, to aapke character ko pasand kiya hi gaya, beshak kahin na kahin kuch regret hai ki Obviously, I mean, it's a film that we all have worked very, very hard on. Reviews बहुत अच्छे मिले थे और हम सब काफ़ी खुश हैं रिव्यूज़ से. जो भी लोग देख कर आए हैं उन्हें बहुत पसंद आई है, एंड दैट्स वॉट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवेयर. बट या आई फील लाइक समटाइम्स विद दिस काइंड ऑफ अ बजट फिल्म, व्हेन देयर आर मोर फिल्म्स रिलीजिंग, और यू नो व्हेन यू फील लाइक मे बी As many people have not gone to the theater to watch, जितना हो सकता था, तो एक थोड़ा obviously होता है कि काश और लोग देखते. But जितने भी लोगों ने देखा है उन्हें बहुत पसंद आ रही है. And to be very honest, it's definitely a film that I will always be very very proud of. And I'm so fortunate because जब आपके काम को सराहा जाता है, आई फील जितने मैसेजेस, जितने ट्वीट्स, जितना फीडबैक मुझे पार्वती बाई के कैरेक्टर के लिए मिला है, वो आज तक इससे पहले कभी नहीं मिला है. तो एक मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग भी होता है एज एन एक्टर टू सॉर्ट ऑफ डू समथिंग डिफरेंट. एंड इट्स डेफिनेटली अ फिल्म आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ. एंड द प्रीथा 2019 एंडिंग अप विद अ गुड नोट, यू नो हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस 2019 ईयर इन वन वर्ड, एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन 2020? आई थिंक माय 2019 हैज बीन माय बेस्ट ईयर इन दिस इंडस्ट्री सो फार, एंड द बिजीएस्ट आल्सो. एंड बिजी इज द न्यू हैप्पी आई फील. I think 4 releases in 1 year has been something जो पहली बार हुआ है मेरे साथ. and the way audience has sort of really reacted to every film, whether it's Lukka Chuppi, whether it's Houseful, whether it's you know Panipat and the character, I just feel blessed कि ये साल शुरू अच्छा हुआ था, end अच्छा हुआ है, and I'm hoping that अगला साल इससे भी अच्छा जाए. Thank you. Varun.
तपसी जी यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट पावर रेंजर बुला रहे मुझे डर लग रहा है पावर रेंजर अरे बाप ओह माय गॉड ओके थैंक यू सो मच ये डैश थैंक यू पावर रेंजर अभी इसका क्या करना है ये रखना है साथ में ओहो आइला जादू तापसी जी यहाँ पे ये कैमरा यस ओह माय गॉड मैम राइट थैंक यू आपने कुछ लेके आया मिलने अरे दोनों में एक है वो हाँ किड्स चॉइस अवार्ड में आपको कैसा लगा अरे किड्स चॉइस अवार्ड में पहली बार आ रही हूँ एक्चुअली मतलब वो ऐसा लगता है कि ये जो ये बच्चे हैं जो आपके मतलब एक नहीं दो नहीं पूरी फैमिली आपको देखे ये शोर करते हैं क्योंकि बचपन में मुझे याद है जब मेरे को कोई चीज़ देखनी होती थी मूवी हो या कुछ भी हो टेलीविजन पे तो आई यूज़ टू फोर्स माय फैमिली टू कम एंड वॉच सो आई थिंक दे आर द फ्यूचर और हु मेक श्योर दैट वी आर सीन अरे मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट टाइम है तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी कि किड्स चॉइस अवार्ड में होता क्या है कैसे तरह के एक्ट्स होते हैं कि और बच्चे क्या करते हैं मतलब मेरे लिए एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है तो मैं एकदम डेब्यू की तरह आ रही हूँ यहाँ पे अरे ये मैंने सोचा कुछ मतलब फन सा करते हैं क्योंकि बच्चों का अवार्ड शो है सो पापा डोंट प्रीच ब्रांड का कुछ फंकी सा आउटफिट डाल के आई हूँ मैं ये सोच के कि ये शायद बच्चों के मूड के साथ मैच करेगा बॉलीवुड में आपने बहुत कम समय में उनका इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा अभी वो पूरा वन ऑन वन यही करके जाएंगे हाँ हाँ क्या बात कम क्या बात कर रहे हो यार कम कहाँ हो गए क्या रह गया मैं बताती हूँ मैं एवेंजर्स में आना चाहती हूँ वो हो जाएगा जिस दिन उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि एवेंजर्स में एक इंडियन सुपर हीरो की कमी है अभी ठीक है हाँ वो कह रहा है नहीं अभी नहीं अब मैं आऊँगी आप नहीं आओगे पहले मैं आऊँगी ठीक है हाँ मैं जब भी घर जाती हूँ दिल्ली तो वो बच्चों वाली आदतें सारी वापस आ ही जाती हैं घर में यहाँ मुंबई में होती हूँ तो सारे काम घर के खुद ही करती हूँ बट वहाँ जाके एक वो हो जाता है ना कि स्पॉइल्ड होने का मौका मिल जाता है कि जो भी करेंगे मम्मी पापा करके देंगे मैं सिर्फ बैठूंगी या उनसे बात करती रहूँगी जो मैं बोलूँगी वो करेंगे और अब क्योंकि ज़्यादा बाहर रहती हूँ उनके साथ रहती नहीं हूँ तो वो मान भी जाते हैं करने को सब चीज़ें शायद पहले मानते ही नहीं थे करने को सो वो सब का फ़ायदा उठाती हूँ मैं घर जाके जी मेरे ना कम से कम 4 से 5 पिक्चरें आने वाली अगले साल तो मेरे को उनको लेके एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बहुत है साल शुरू होगा थप्पड़ से देखते हैं कितनी जोर का लगता है हाँ रिलीज डेट है 28 फरवरी फ्राइडे है ना 28 फरवरी को वो आपको थिएटर में जाके पता चलेगा न्यू ईयर पे तो मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मॉरिशस छुट्टी मनाने और ये बोलूँगी कि इंजॉय करो न्यू ईयर पे एक बार सेलिब्रेट करो कि जो भी हुआ अच्छा बुरा ख़त्म हो गया अच्छा हुआ तो उसने सेलिब्रेट करो बुरा हुआ ऐसे सेलिब्रेट करो ख़त्म हो गया ताकि 2020 जो है वो अच्छे नोट पे स्टार्ट करो हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज़ सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड सेलिब्रेट दैट द फेलियर इज़ ओवर एंड एंजॉय योर न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस इज़ वेल visuals abhi ek aur oh nice I like that.
देख नहीं पाता, मतलब सांस लेने की जरूरत नहीं है इनको ऑक्सीजन की, उसके बिना ये एक्टिव है। ये है बहुत सारा प्यार रेड कार्पेट पे रेड रोजेस के साथ, ठीक है। ये हर रेड कार्पेट ऐसा होना चाहिए। ओह माय गॉड, आप कुछ लाए नहीं, अभी तो मुझे आदत हो गई, अभी तो आपको देना पड़ेगा। अभी तो आप बिना किसी गिफ्ट के मेरा सा डांस क्या इनके साथ ये क्या रहा दिल लगे थोड़ा डांस कर तो बताओ गाना लगाइए ना गाना क्या लगाओ यहाँ पे, ये सब करने नहीं आई हूँ मैं। परफॉर्मर्स के लिए मेरे लिए तुम्हारे सबके लिए पिक्चर में कर रही हूँ, टिकट खरीदना देख के आ रहा हूँ। तो क्या करते हो उसके साथ यू कुछ नहीं लेके आए तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा।